अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। कुक विद अलीज़ा फ़ातिमा में आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्रेड मैगी रोल। तो आइए देख लेते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। ये मैगी है और दो पैकेट, ये हरी मिर्च कटी हुई, ये मैगी मसाला, ये कटी हुई प्याज है, ये कटा हुआ टमाटर, नमक और ये मस्टर्ड ऑयल है 1 कप, और ये ब्रेड की कुछ स्लाइसेस हैं जिसकी किनारी मैंने निकाल दी है और निकाल के इसे बेल लिया है, और ये ब्रेड क्रम्ब है, और ये अमूल की चीज़ है। अमूल की चीज़ है। तो चलिए अब हम बनाते हैं रेसिपी। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ऑयल गर्म हो गया, ये प्याज डाल देंगे, अब इसमें ये टमाटर डालेंगे, ये हरी मिर्च, इसमें मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसमें मैगी डाल देंगे, मैगी
नहीं ये इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और नमक से अच्छा लगता है। ये देखिए ये मैगी बनके तैयार हो गई है और इस पर मैंने चीज़ डाल दी है। अब हम इसको हल्का सा ऐसे ऐसे मिक्स करके अब हम इसमें इस ब्रेड रोल में इसको भरेंगे। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं ये, अब हम इसे इस ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। इसको ऐसे करके ऐसे रख लेंगे। तो ये मेरे प्रेब रोल बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनसे फ्राई करेंगे, बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। तो चलिए हम फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, पैन तैयार है। अब हम इसमें एक एक ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ये है ये देखिए। अब इसको ऐसे होने देते हैं। ये हो चुके हैं, अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए हमारे ब्रेड मैगी रोल तैयार हो चुके हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी है। ये देखिए बहुत खाने बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो
तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसे आप भी ट्राई करिए और अपनी फैमिली के साथ बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर। खड़ा खड़ा और मैं खड़ा।